हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस वैदिक एस्ट्रो साइंस चैनल में। और मैं आज बताने जा रहा हूँ आस्थमा डिजीज, दमे की बीमारी। हथेली में कौन कौन से इंडिकेशंस होते हैं जिसके द्वारा हम दमे की बीमारी को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, तो आइए देखें। सबसे पहले पहला पॉइंट ये है कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में शनि पर्वत के जस्ट नीचे वो गैप कम होना चाहिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं। ये हृदय रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है, और इस दोनों के बीच में जो गैप जो कम है वो शनि पर्वत के जस्ट नीचे है। तो ये अकेला ये इंडिकेशंस पर्याप्त है आस्थमा को बताने के लिए, दमे की बीमारी को बताने के लिए। इसके अलावा अगर साथ में दो या दो से ज़्यादा रेखाएं शुक्र पर्वत से मस्तिष्क रेखा की तरफ बढ़े तो ये बिल्कुल ये इंडिकेशंस ये फाइनल हो गया कि आस्थमा उसको होगा तो होगा ही। दो से ज़्यादा रेखाएं भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अगर मस्तिष्क रेखा पे अगर ब्लैक डॉट हो, ब्लैक डॉट आप तिल कह सकते हैं, ब्लैक डॉट अगर मस्तिष्क रेखा पर अगर हो तो ये भी अकेला काफ़ी है बताने के लिए आस्थमा बीमारी को, आस्थमा रोग को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर तिल अगर मस्तिष्क रेखा पर अगर है, जस्ट शनि पर्वत के नीचे, कहीं और नहीं, शनि पर्वत के नीचे अगर ब्लैक डॉट अगर मस्तिष्क रेखा पे है बड़ा सा, तो ये आस्थमा रोग देगा, दमे की बीमारी ये देगा। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि मस्तिष्क रेखा पे ना हो लेकिन हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर ये ब्लैक डॉट अगर रहता है, वो भी शनि पर्वत के नीचे, मैं बार बार कह रहा हूँ शनि पर्वत के ही नीचे, अगर ये डॉट अगर है बीच में भी है तो ये अकेला आस्थमा रोग को दे आस्थमा रोग ये देगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और इंडिकेशंस है, अगर लाइफ लाइन जो है जीवन रेखा के स्टार्टिंग पॉइंट में अगर एक द्वीप बना हुआ है, बड़ा सा आइलैंड बना हुआ है, तो ये भी एक आस्थमा बीमारी के लिए पर्याप्त है। अगर बिग आइलैंड अगर स्टार्टिंग जीवन रेखा पर अगर बना हुआ है तो ये भी आस्थमा दमे का जो रोग है, जो बीमारी है, वो जातक को जरूर देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंडिकेशंस है जिसके द्वारा आप आस्थमा डिजीज, दमे का जो रोग है, वो इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।